जमीन का म्यूटेशन कैसे करना होता है, कौन से कागजात लगते हैं और म्यूटेशन फ्री में कैसे हो सकता है, आज के इस वीडियो में म्यूटेशन से संबंधित जरूरी जानकारियां देने वाले हैं ताकि आपको पैसे खर्च ना करना पड़े और आसानी से अपना काम निपटा सके। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जानकारी सभी तक आसानी से पहुंच जाए। आदाब, मैं शाह फैसल, जागो बिहार के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले यह जरूर समझ लीजिए कि आपके ऑनलाइन आवेदन के बाद क्या क्या होता है। ऑनलाइन होने के बाद जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वो आता है सर्कल ऑफिसर के लॉगिन में। सर्कल ऑफिसर हियरिंग करते हैं, हियरिंग डिजिटली होती है, इन्फॉर्म नहीं हो पाता कोई उससे, हम उसको हियरिंग करके अलग अलग रेवेन्यू कर्मचारी जो हैं हल्का वाइज, क्योंकि डिजिटल तो जानता नहीं है, फिर हम उसको रिस्पेक्टेड हल्का कर्मचारी को सेंड करते हैं यहाँ से। फिर वो उनके कर्मचारी के लॉगिन में, जो रिस्पेक्टिव लॉगिन है उसमें लोकेट होता है। उसके बाद कर्मचारी वहाँ से प्रोसेस करता है दो तरीके से। अगर सारे कागजात सही हैं तो वो प्रोसेस कर देगा रेवेन्यू ऑफिसर को, जो राजस्व अधिकारी होते हैं। अरे अगर सारे कागजात नहीं है, कुछ मिस है या कुछ सुधार है, तो वो एडिट लॉगिन में भेजते हैं। मतलब टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, एडिट लॉगिन में भेजते हैं या फिर ऑब्जेक्शन में भेजते हैं, फिर उसको सुधार की जाती है मेरे लॉगिन से, अगर सुधार होने लायक है तो। अगर उसने ऑब्जेक्शन रेज किया तो फिर हम SMS छोड़ते हैं कि आपका ये कागज़ इंटरमीडिएरी या कुछ कागज़ है जो नहीं है, आप उसको अविलंब लाकर दीजिए। तो वो ऑब्जेक्शन का जो कमेंट होता है वो पब्लिक को दिखता भी है, वो पब्लिक को दिखता भी है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट बात है। उसके बाद वो जाता है, अगर वो मुद्दा क्लियर हो गया, फिर रेवेन्यू ऑफिसर के पास हो जाता है। रेवेन्यू ऑफिसर कुछ समय में, बहुत कम समय में, उनको फिर सर्कल ऑफिसर के पास भेज देते हैं अगले प्रोसेस होने के लिए। मेरे पास जब सारे प्रोसेस हो जाते हैं तो एक आम खास की सूचना निर्गत होती है जो कि ऑनलाइन होती है। हाँ, वो होती है, उसमें 14 दिन के लिए वो केस ब्लॉक हो जाता है पूरी तरीके से, 14 दिन तक लॉक हो जाता है। इन सूचना जनरल पब्लिक को जाती है, स्पेशल जाती है, और 14 दिन के बाद वो फिर रेडी टू डिस्पोज हो जाता है पॉजिटिवली। इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि पिछली बार अब सरकार ने भूमि पर जाके राजस्व कर्मचारियों को स्थल जांच करने के साथ साथ उसका भौतिक पिक्चर लेकर अपलोड करने की सुविधा दे दी है। इससे क्या है कि विवाद अब थोड़े कम हो रहे हैं और स्थल पर जाने से चीज़ें क्लियर हो रही हैं, और फोटो खींचने से दखल कब्जा स्पष्ट क्लियर हो रहा है। तो ये एक अच्छा शुरुआत है जिसमें सभी लोग कर रहे हैं। वीडियो से साफ है कि म्यूटेशन का काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको म्यूटेशन करने की प्रक्रिया आसानी से समझ में आ सके, इसलिए म्यूटेशन को दो हिस्सों में बांट देते हैं। पहला वे लोग जो खरीदी गई जमीन का दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन करवाना चाहते हैं, दूसरा वैसे लोग जो बंटवारे की जमीन का दाखिल खारिज कराना चाहते हैं। खरीदी गई जमीन का दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन के तरीके को समझते हैं। मान लीजिए कि आपने कभी किसी से जमीन खरीदी थी और अब आप चाहते हैं कि उस जमीन का म्यूटेशन कर लिया जाए, लेकिन आपको म्यूटेशन करने में तभी आसानी होगी जब विक्रेता यानी जिनसे आपने जमीन खरीदी है उन्होंने म्यूटेशन कर रखा हो या फिर उनके पास खतियान या केवाला हो। यदि ऐसा है तो इन कागजातों और अपने रजिस्ट्री डीड की सहायता से आप म्यूटेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यदि विक्रेता ने जमीन का म्यूटेशन नहीं किया है तो इस काम में अवश्य ही आपको लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं। सपोज करिए कि मैंने आपको बेचा, आपने उसका म्यूटेशन नहीं कराया और आपने किसी और को बेच दिया, तो बीच में आपने म्यूटेशन नहीं कराई। अब जब तीसरा आदमी म्यूटेशन कराने आ रहा है तो उसको दिक्कत हो रही है, क्यों? क्योंकि आपका लिंकेज गायब है बीच का। तो उस समय उस इंडिविजुअल को आपका भी डीड उसमें सबमिट करना होता है। और मैं सही बताऊं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है सबसे बड़ी दिक्कत आज के समय में यही है, क्योंकि वो अपना जो आपसे खरीदा उसने वो डीड तो लगा के वो फ्री हो जाता है। अब इस आदमी से जो मैंने आपको बेची वो डीड, वो उसको ना मिल पाती है, या कभी मर गया या कुछ हो गया, उसके बाल बच्चे नहीं ध्यान दे रहे हैं, ऐसी चीज़ों को लेकर म्यूटेशन बहुत समय तक लंबित रहता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कई बार मैंने आपको 2 कड़ी का बताया, कई बार ये 10 कड़ी तक जाता है। मैंने आपको बेचा, आपने किसी और को बेचा, बीच में किसी ने म्यूटेशन नहीं कराया 10 लोगों ने, अब 11वां आदमी म्यूटेशन करा रहा है, तब ये बीच के जितने 10 दस्तावेज हैं, ये सारे दस्तावेज का लाने की जिम्मेवारी आप ही की होगी, हमारी नहीं हो सकती, ये आप ही की होगी। अब उसमें जो आवेदक है 2-3 दस्तावेज लाया, 7-8 लेके नहीं आया, अब वो म्यूटेशन हमारे यहाँ लंबित पड़ा हुआ है।
कहने का मतलब है कि सिर्फ विक्रेता यानी जिनसे आपने जमीन खरीदी है उनका दर केवाला नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों का दर केवाला इकट्ठा करना होगा जिसने भी उस जमीन को खरीद कर म्यूटेशन नहीं कराया है। यह इसलिए किया जाता है ताकि मूल जमाबंदी वाले की खोज हो सके। जिन लोगों के पास ऐसी समस्या है वे पहले ऑनलाइन आवेदन बिल्कुल ना करें, अन्यथा जब तक आप जरूरी कागजात जुटाएंगे हो सकता है कि आपके म्यूटेशन का आवेदन ही रद्द कर दिया जाए। इसीलिए अकलमंदी यही है कि विक्रेता से मिलकर उनका सहयोग लेकर अपने कागजात जुटाएं, फिर ऑनलाइन करने के बारे में विचार करें। वही यदि बंटवारे की जमीन का दाखिल खारिज करना चाहते हैं तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कि बंटवारे वैसी जमीन की होनी चाहिए जिसका म्यूटेशन किया हुआ है, खतियान या केवाला वाला है। ऐसी जमीन का म्यूटेशन करना चाहते हैं तो हिस्सेदार आपसी सहमति से एक बंटवारा नामा और नजरी नक्शा तैयार करके अंचलाधिकारी से अप्रूव करवा लें, उसके बाद ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। कुछ मामले ऐसे होते हैं, जैसे अभी सारे मामले तो याद नहीं आ रहा, कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ किसी रैयत के सारे जमीनों के कागजात एक में मिले हुए हैं, सारे खेसरा एक में मिले हुए हैं, जैसे उसको मिलजुमला कहते हैं रेवेन्यू टर्म्स में। तो मिलजुमला जब कागजात है तो हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, वो आपकी जिम्मेवारी है कि आप नापी रखकर, अमीन रखकर उसका नापी कराएं और उसको फ्रेगमेंटेड कराएं, खेसरावार रकबा करते। उसके लिए जब आप अमानत के लिए आप आएंगे तो उसके लिए जो सरकारी फ़ी है वो आपको देकर कराना होगा। सरकारी फ़ी की बात कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि म्यूटेशन अप्लाई करने के बाद आप ये काम शुरू करते हैं, तो चूंकि म्यूटेशन काल बाधित प्रक्रिया है, हमें 35 दिन का टाइम दिया हुआ है, हमें 63 दिन का टाइम दिया हुआ है, उसके बाद लंबित होता है तो पेंडिंग शो होता है, हमारी भी जवाबदेही तय होती है। इस बीच में आप नापी कराना शुरू करते हैं, समय लग जाता है, तो कई बार ऐसा रिजेक्ट हो जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि रैयत अपनी जमीन की मापी कराने के लिए यानी नजरी नक्शा तैयार करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। यह एक आसान प्रक्रिया है, इसका वीडियो आपको जागो बिहार में ही मिल जाएगा। अगर आप नजरी नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। अब यदि आपके पास सभी जरूरी कागजात तैयार हैं तो आप किसी भी दुकान से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर फ्री में म्यूटेशन का आवेदन करना है तो अंचल कार्यालय में भी जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते वक्त अपना ही मोबाइल नंबर दर्ज करें ताकि कार्यालय की ओर से जब कभी भी कोई जानकारी आए तो वह जानकारी सीधे आप तक पहुंच जाए। विधिवत म्यूटेशन 35 से 40 दिनों में कर देनी है, अगर ऑब्जेक्शन लगा हुआ है तो उसको 60 से 70 दिनों के अंदर डिस्पोज कर देना है। बीच में जैसे रिजेक्शन एक महत्वपूर्ण समस्या है, रिजेक्शन हो जाता है तो रिजेक्शन तो देखिए स्वाभाविक है। कई बार मैं आपको एक व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो मुझे ऐसी भी सूचना मिलती है कि साइबर कैफे वाले जो लोग हैं वो कुछ लोग जो हैं वो रिकॉर्ड ले लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं, फिर अपने हिसाब से अप्रोच करते हैं, चाहे वो कर्मचारी को हो या कार्यालय को, और पब्लिक उनको देख के आश्वस्त हो जाती है। अब हमें कागजात नहीं मिलता है, टाइम पास करेगा वो रिजेक्ट हो जाता है। तो मेरा तो सबसे पहले रैयतों से आवेदन है कि आप जब आप आवेदन करें तो रजिस्ट्री में या आवेदन में अपना फ़ोन नंबर निश्चित रूप से डाल दें। होता क्या है कि साइबर कैफे वाले ने आवेदन किया, उसने अपना नंबर डाल दिया, अब पब्लिक निश्चिंत हो जाती है आवेदन करके। एक महीने बाद, 35 दिन बाद, हमारे पास भी सीमित संसाधन है, हम सबके घर घर अप्रोच कर नहीं सकते, कोई सऊदी अरब है कोई कहीं है। अभी मैं आपको बताऊं, जब मैंने ज्वाइन किया तो करीब 23-24 के बहुत सारे ऐसे मामले लंबित थे जिसको मैंने अप्रोच करा के डिस्पोज कराया, पॉजिटिवली डिस्पोज कराया। कई मामले ऐसे हैं, कोई साइबर कैफे 50-50 आवेदन रखे हैं, हमने उनको नोटिस करना भी शुरू किया है। तो कुछ जिम्मेवारी तो कर्मचारी लोगों की भी है जो उसको अपने हिसाब से करें, और एसएमएस की भी सुविधा दे रखी है सरकार, जिसमें हम अगर वो नंबर सही रहेगा तो एसएमएस समय जाएगा उनको, जैसे आरटीपीएस में जाति आय निवास के लिए एसएमएस होता है कि आपका बन रहा है या बनने वाला है, आप आके ले लें। इस तरह से म्यूटेशन में भी अच्छी तरीके से एसएमएस करने का पूरा प्रावधान है जो हम लोग करते हैं, लेकिन उसके लिए नंबर सही होना चाहिए। नंबर साइबर कैफे वाले का है तो उनको मैसेज बहुत दिक्कत हो जाती है, और उनको मैसेज आता है, वो इन्फॉर्म नहीं करते या कुछ और करते हैं, बाई एनी इलीगल मीन्स दे आर यूजिंग सच काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा और सच काइंड ऑफ मेथड्स जो कि बिल्कुल परमिसेबल नहीं है। एक ये फैक्टर हो गया। रिजेक्शन जब हो जाता है तो उसका जो तरीका है, अगर किसी कारण से आपका म्यूटेशन रिजेक्ट हो गया फॉर सम वैलिड रीजन्स, या किसी कारण से अगर म्यूटेशन आपका रिजेक्ट हो जाता है तो एक जनरल रैयतों में समस्या हो जाती है कि अब क्या करें। कई बार वो पुनः आवेदन अंचल में ही डाल देते हैं जो एक साल पहले का भी रिजेक्ट। तो आप ये बात इसके माध्यम से, आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि एक बार अगर रिजेक्ट हो जाने के बाद, चाहे वो आज से 10 साल पहले रिजेक्ट हुआ हो या 5 साल पहले रिजेक्ट हुआ हो या 5 बार रिजेक्ट हुआ हो,
वो बार बार रिजेक्ट ही होगा जब तक आप जो ऊपर का अदालत है DCLR कोर्ट भूमि सुधार उपसमर्था के न्यायालय से विधिवत आदेश लेकर नहीं आते, क्योंकि कोर्ट है तो CEO को फिर अपने पावर को रिव्यू करने का अधिकार नहीं है। तो अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आपका सबसे पहला कार्य है कि आप अंचल से आकर नकल निकलवाएं। नकल में कोई चार्ज नहीं लगता है एक्सेप्ट 10 या 20 रुपये का टिकट लगता है। इसके अलावा किसी तरह का कोई शुल्क, सेवा शुल्क, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता है। अगर कोई शिकायत है तो मैं मौजूद हूँ, मुझे लिखित मौखिक जैसे बताना चाहे कोई भी रैयत बता सकते हैं। और नकल निकालने के पश्चात आप भूमि सुधार उपसमर्था महोदय के कोर्ट में अपील दायर करते हैं, और अपील का सुनवाई होने के पश्चात जो आदेश आता है उस आदेश के आलोक में कोर्ट ऑर्डर करके आप पुनः म्यूटेशन हमारे यहाँ अप्लाई करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, ज़रूर कमेंट में डालें उसको, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने का। और आपके मन में अगर और भी कोई ऐसा योजना है जिसको आप जागो बिहार में देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर बताएँ। बहुत बहुत शुक्रिया।